देखिए सर, दुनिया सक्सेस को देखती है, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। कहा जाता है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो कुछ नहीं किया तो कम से कम मुझे लगा कि चलो कम से कम एक ऐसा काम किया है कि मर भी जाऊं तो ये चीज जो है मुझे जिंदा रखेगी। यही सोचकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि चलो यार लगना पड़ेगा, पागलपन सनक जो है ना दिमाग पर हमेशा लोड करना पड़ेगा। ये देखिए कपड़ा करें, मेरे साथ क्या है कि मेरे पास कोई शौक बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। कल क्या पहनना है, बहुत सारे लोग आज डिसाइड करते हैं, मैं पसंद करता हूँ कल क्या पहनना है, जो कपड़ा लटका हुआ है पहना चल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक हेडलाइन में, आपके साथ आकाश मिश्रा। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा में अभी हमें आपको हम तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से जो आप मक्का जो खाते हैं जो छिलका उसका रह जाती है उसको कचरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन हम वहाँ हैं जहाँ इस कचरे से आप जो गुपचुप खाते होंगे तो उसमें जो कटोरी यूज हो रही है उस तरह से यहाँ पे कटोरी को तैयार किया जाता है। ऐसे हम बात करेंगे, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सर जी हो गया नाज उजैर। कैसे स्टार्टअप कैसे किए? आप इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, पढ़ाई अच्छा खासा किए, जिसके बाद आप खुद ये काम करना शुरू कैसे किए? देखिए सर, जो होता है ना कि जिंदगी में जो है ना सर, एक मेरा कमिटमेंट बचपन से ही रहा है कि अमर बनने का भूत सवार था मेरे ऊपर, तो अमर कैसे हम बनेंगे पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा तभी जाकर कुछ बात बनेगी, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। तो मैंने इंजीनियरिंग किया, बीटेक किया मैकेनिकल से, उसके बाद मैंने एमटेक किया एचवीएसी से, इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने पढ़ाया, मन नहीं लगा तो सोचा कि चलो कुछ बड़ा करते हैं। और जब बड़ा करने के लिए जब मैं गांव आया तो बहुत मजाक बन गया, मक्के के छिलके के पीछे मैं पड़ा हुआ था। मक्के के छिलके तो पिछले 8 जुलाई 2017 को सबसे पहले खबर छपी थी, आप सोचिए डेट देखिए। उससे पहले मैं और भी चीज़ों पर मैंने काम किया था 5 साल पहले भी, मतलब जैसे कि पपीता के लेयर से, केला की पत्तों पे, तो इस तरह तरह की चीज़ों पे, बांस के पत्तों से मैंने कप बनाए थे, लेकिन मज़ा नहीं आया। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ड्रॉबैक नज़र आ रहा था, लेकिन जब मैं मक्के के पत्ते पे जब मैं गया, इवन कि एक बार मैं प्रोग्राम में जा रहा था किसी प्रोग्राम में, तो मैंने देखा कि 4-व्हीलर जो है मक्के के खेत से निकलती हुई जा रही है, तो मैंने मक्के की बाली को मैंने उठाया तो मैंने देखा कि भाई बाली एज इट इज है, तो मुझे लगा कि इससे कुछ बड़ा किया जा सकता है। तभी मैंने एक लाइन कही थी कि जमाना ये सुन करके है हक्का बक्का, जमाना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। तो डेफिनेटली मक्के का छिलका जो है लड़ रहा है। और देखिए ये कटोरी है आपके सामने में, मान लीजिए मैं अभी फिलहाल 10 प्रोडक्ट्स मैंने रिप्लेस किए मक्के के छिलके से, कटोरी है, प्लेट है, चॉकलेट रैपर, बिस्किट रैपर, स्ट्रॉ वगैरह भी मैंने रिप्लेस किए, लेकिन मैं सिर्फ अभी एक प्रोडक्ट को मैं जमीन पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा एक छोटा सा प्रयास ये भी, देखिए ये केक है, इसमें क्या यूज है? देखिए जैसे कि अभी एल्युमिनियम फाइल का आप केक देखते होंगे, एल्युमिनियम फाइल में केक रहता है, तो आप देखिए एल्युमिनियम फाइल जल्दी गलता है क्या? नहीं, उसको सैकड़ों वर्ष लग जाएगा उसको गलने में, जलने में, सोचिए। फिर उसके बाद एक प्लास्टिक वाले रैपर में भी केक आता है तो वो भी नहीं गलता, वो हार्म है बॉडी के लिए। जब केक आप खाएंगे तो प्लास्टिक कांस आपके बॉडी में चला जाता है। मार्केट में क्या इसका रिस्पांस क्या रहता है? देखिए सर, मार्केट में तो ऐसा रिस्पांस है कि मैं मार्केट में दे भी नहीं पाता हूँ, जो बात आप सुन लीजिए वो पहली मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा प्लांट है भी नहीं, मैं मार्केट में उतना दे नहीं पाता हूँ, गिने चुने जगहों पर मैं दे पाता हूँ और हाथ जोड़ लेता हूँ। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि भाई इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक मार्केट में आप सही ढंग से प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि सारा खेल जो है भूखे पेट भजन नहीं होता है, सारा खेल पैसा का ही है। तो बिहार स्टार्टअप के माध्यम से मुझे बहुत बड़ा कोऑपरेशन मिला है, तो डेफिनेटली इसको हम और भी बड़े पैमाने पर हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन आप अच्छा खासा नौकरी भी आपको हो सकता था, आप इतना अच्छा पढ़ाई किए उसके बावजूद भी, क्योंकि लोग जो है बिजनेस करने से डरते हैं या नया कुछ करने से डरते हैं कि कहीं हम इसमें अनसक्सेस हो गए, और आपको पहले ही से सक्सेसफुल, आप पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ चुके थे, नौकरी भी हो जाती, इस तरह में आप कैसे इसको? देखिए सर, इंग्लिश की एक लाइन है कि नो रिस्क नो गेम, रिस्क लेना पड़ेगा, जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ऊंचाई को आप छू लेंगे। नहीं लगा कभी, नहीं, नेवर। मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूँ, जब उस वक्त भी मुझे याद है खूब, जब मक्के के छिलके पे जब मैं काम कर रहा था तो लोगों ने मजाक बनाया, बहुत करीबी लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन लेते हैं तो कहते नौकरी छोड़ के आ गया है गांव, इस तरह का भी आपके पास कभी ऐसा सुनने को मिला कि नहीं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी हाल तक सुनने को मिलता था, लेकिन अब जाके बहुत सारे लोगों का की जबान बंद हुई है। और देखिए सर, दुनिया सक्सेस को देखती है, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। कहा जाता है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, तो अंत भला जब हो जाएगा तो सब चीज़ भला हो जाएगा। दुनिया आप सक्सेस, जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे उस दिन दुनिया को लगेगा भाई सच मुझे मेहनत किया। कितने साल से चला रहा है ये? मान के चलिए ना सर जी कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। 10 सालों के बाद अब जाके बिहार सरकार की नज़र आ पड़ रही है, कैसे? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि स्कीमें जो है मुझे लग रहा है कि अब आई है, और जैसे लग रहा है कि स्टार्टअप वगैरह हम ही जैसे लोगों के लिए ही है, हम ही जैसे नहीं, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलना है हम जैसे इनोवेटिव ब्रेन वाले लोगों के लिए, पेटेंटेड आइटम है।
और लंबा रिसर्च है जिंदगी में। मैंने मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो कम से कम मुझे लगा कि चलो कम से कम एक ऐसा काम किया है कि मर भी जाऊं तो ये चीज जो है मुझे जिंदा रखेगी। यही सोचकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि चलो यार मैं फ्री होकर दुनिया में नहीं रह रहा हूं, मैं दुनिया को देकर दुनिया जाने वाला हूं। कई लोग बिजनेस को लेकर सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वैसे लोग के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए सर, मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूं कि आपको डरना नहीं होगा। सबसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि मैं काम करता हूं, देखिए मेरे साथ के लड़के लोग 1.5-2 लाख महीना कमाते हैं, कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, कोई कहीं है। तो क्या सोचते हैं, पैसा से किसको प्यार नहीं है? लेकिन मैं टिका हुआ हूँ मार्केट में, फिर भी मैं टिका हुआ हूँ एटलीस्ट। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कितना बड़ा कलेजा और जिगर लेकर के मैं चलता हूँ। लोग बोलते हैं, इस कान से मैं सुनता हूँ, उस कान से मैं निकाल देता हूँ। फैमिली मेंबर भी लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारा फैमिली में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तू कुछ करता नहीं है, ये वो बहुत फेस कर। इवन के मैं ही नहीं, जो भी लोग करना चाहेंगे उनको फेस करना पड़ेगा। तब जा कर के हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो आसान काम नहीं है भाई मेरे, उसके लिए लगना पड़ेगा। पागलपन सनक जो है ना दिमाग पर हमेशा लोड करना पड़ेगा। ये देखिए कपड़ा लत्ता टाई बेल्टी सबसे हमको ज्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है। मेरा कुछ जो होता है ना कि आजकल कभी मॉल में घूमने जाना, यार ये वाला चश्मा ठीक है, ये जींस पैंट ठीक है, ये टी शर्ट ठीक है, ये वो आजकल के डेट में चला हुआ है। तो मालिक का बहुत बड़ा करम मेरे साथ क्या है कि मेरे पास कोई शौक बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। कल क्या पहनना है बहुत सारे लोग आज डिसाइड करते हैं, मैं पसंद करता हूँ कल क्या पहनना है, जो कपड़ा लटका हुआ है पहना चल दिया है ना। ये मतलब सरकार का क्या कुछ अभी तक आप पर ध्यान दिया? सर जी देखिए सरकार का बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। जस्ट अभी मेरे बिहार स्टार्टअप में मेरा हुआ है, परसों मुझे 4 लाख का चेक मिला है, ठीक है, यानी कि 16 तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के दिन। कैसा लगा वो पल? कैसा? देखिए सर जी बहुत बहुत अच्छा पल था मेरे लिए। जीवन जो है मेरा मतलब समझिए कि मेरा सपना जो है सच हो गया। जैसे कि कल तक मुझे भी कभी कभी लगता है कि हम लोग इंसान ही है, भगवान और अल्लाह खुदा तो नहीं है भैया, हम लोग भी कभी कभी डगमगा जाते हैं, कभी कभी लगता है कि अरे यार हम भी बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगा कि चलो यार कुछ तो बड़ा हुआ है, कुछ तो अच्छा किया है जिंदगी। ऐसा लग रहा है अब जो नौकरी छोड़कर अब अपना स्टार्टअप है तो नौकरी को अफसोस हो रहा है कि नहीं? देखिए सर जी ये जो महिला काम कर रही है मुझे यकीन मानिए मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि चलो यार इनका पेट कम से कम यहाँ से तो भर रहा है ना। अगर मान लीजिए सर मैंने 50-100 लोगों को नौकरी दे दिया इसी तरीके से, तो समझिए कि 100 घर में इसके माध्यम से रोजगार तो मिल जाएगा। अभी आपके सामने जो महिला काम कर रही है कहीं से ना कहीं से तो ये आ रही है ना, इनको रोजगार मिल रहा है, इनका घर परिवार तो इससे चल रहा है ना सर जी। तो ऐसे ही लोगों को मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि लोगों को हम लेकर के आए मार्केट में दुनिया में, और एक रोजगार का जो चलन है जैसे कि बिहार में से दूर दूर तक लोग जाते हैं, दूसरे देशों में दूसरे राज्यों में जाते हैं, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। बिहार के लोग बिहार में रहें और जबरदस्त काम को अंजाम दें। सारा खेल ब्रेन का है, ब्रेन जो है ना आपका काम करते रहना चाहिए। ये कटोरी में किस किस चीज में यूज ज्यादा हो रहा है? देखिए सर ये कटोरी जो यूज हो जैसे कि प्रसाद वगैरह में ज्यादा शुद्धता के आधार पर इसको प्रसाद में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फुचका के तौर पर, केक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को ईमानदारी के साथ लॉन्च करा रहा हूँ, ठीक है, डे बाय डे मैं प्रोडक्ट को लेकर के आऊंगा। और बहुत सारी चीजों की अगर जानकारी चाहिए तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है नाज ओजायर के नाम से, NAZOZAIR, तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं चाहूंगा कि लिंक भी आप उसको साझा कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली आप जो भी हमारे चाहने वाले जानने वाले इसके बारे में वो सारी ढेर सारी जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ नाथ, जो इंजीनियरिंग छोड़कर अब खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, एक स्टार्टअप जो है नया अपना बनाए हैं। आप देख सकते हैं यह मक्के का छिलका है, जो पूरी तरह से जो हम लोग खाते हैं मक्के उससे छिलका को हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन यह नाथ जी जो है वह अब इस छिलके का कटोरी बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें बिहार सरकार की तरफ से भी इन्हें 4 लाख की चेक दिया गया है। ऐसे में यह काफ़ी खुश भी है अपने इस काम को लेकर। ऐसी खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें सहयोगी विकास के साथ आकाश मिश्रा।